फ्रंट एंड बैक टायर भी मंगाए हुए हैं तो उसका भी है। तो हाँ, मैं टॉपिक बात कर रहा था कि हम लोग बोलते मिरर लगाने पे मिरर लगाने चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। एक तो मिरर मॉर्निंग में ओके, आई एग्री मॉर्निंग में मेरे पास मिरर होने चाहिए, बट नाइट टाइम में नो, मेरे को नाइट टाइम में मिरर नहीं चाहिए यार। उसका इतना गंदा रिफ्लेक्शन आता है ना, एंड स्पेशली ये लोग गाड़ी सब लोग हाईवे में चला रहे हैं, वो आधे टाइम आपको ब्लाइंड देगा। एंड एनीवेज वो मिरर ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं दिखाता, तो आपको कॉन्वे वाला मिरर लगाना पड़ेगा छोटा सा, तो वो भी है सीन है। ऐसे मिरर नहीं लगाता एंड मेरे को मिरर दिखाई देता है विदाउट मिरर, बस मुझे इतना टर्न करना है अभी मंडी, दैट्स इट। मैं पूरा पीछे देख सकता हूँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, एक सेकंड के लिए जैसे साइड की भी मैं टर्न करूँगा मेरे को पूरा दिखाई देगा, पूरा ब्लैंक स्पॉट दिखता है। और मेरे को इतना साल की प्रैक्टिस है मिरर मिरर्स थी, अब मेरे को लाइक मेरे लाइक वो हो गया है कि आँखों के पीछे मेरे वो आके पूरा पीछे देख सकता हूँ। एक तो यार ये लोग पत्थर उछाल रहे हैं, वाह काफ़ी कसके लगा यार हाथ में। आज का टास है हम लोग शहीद पथ जा रहे हैं, विच इज़ अराउंड 26, तो रिटर्न एंड फ्रेंड हम लोग को देखते हैं कितने मिनट में कर पाते हैं, क्योंकि ये रोड पहले मेरी फेवरेट हुई करती थी, एक टाइम मेरे को पल्सर थी तो इसी रोड से हम लोग टेस्ट करते थे कि कौन सी स्पीड कितनी तेज़ी से कन्वर्ट हो जा रही है। पान रहा है मेरे से जाम है यहाँ, जाम है यहाँ। तो अभी बज रहे हैं 6:12, हम लोग को 52 किलोमीटर चलना है, तो लेट्स सी कितनी स्पीड होती है, क्या मेंटेन करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। ओ वेंटो वाला ये हाईवे है बाय द वे, यहाँ स्पीड लिमिट 80 या 100 है, तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैं इसकी ओवर स्पीड कर रहा हूँ, बट ओवर स्पीड नहीं कर रहा। जाम है दूर, जाम यार तगड़ा है, इसको नहीं लगता है थोड़ा टाइम लगने वाला है। लास्ट टाइम हमने पल्सर से किया था आई थिंक 15-20 मिनट समथिंग लाइक दैट, बट पल्सर में अच्छी स्पीड मेंटेन की थी मैंने, जिसमें हार्डली 120 मेंटेन हो पा रही है। क्या गंदा एक्टिवा चला रहा है यार बंदा, कोई 20 साल पुरानी कोई होगी। तो देखो बीच हाईवे पर रोक के खड़े हुए हैं, हाईवे ये सिटी नहीं है। जाने दोगे? इसको फुल ऑन फास्ट है, कि वो किस साइड से निकलेगा। वो बादल दिख रहे हैं मेरे को आगे, पहले रोड क्या खाली हुई करती थी, जबरदस्ती भर दी है। हम लोग 6 हेडिंग को जॉइंट स्टार्ट किए थे, आई थिंक 10 किलोमीटर आ गए हैं हम लोग, एंड यहाँ जाम लगा है। हाईवे में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी, चूतिए लोग बीच से खींच के आ रहे हैं। ओ
भाई ये पल्सर की पूरी ये स्प्लेंडर है ना, स्प्लेंडर की पूरी जान निकाले हुए 80-85 जा रही है। किस बात का जाम लगाया मैं, किसी को यूटर्न करना होगा 100%। आधे लोग तो हेलमेट भी नहीं पहने उसी में। आप थोड़ी स्पीड पकड़ी है, क्रॉस कर रहे हैं एम्बुलेंस से, एम्बुलेंस के पास हम लोग बहुत आराम से ओवरटेक लेंगे, यहाँ से वापस रिटर्न। व्यू बहुत तगड़ा हो चल रहा है, आई होप द लेंस इज क्लीन। गांड फटती है तो उसकी साइड में पब्लिक बैठी मिलती है, रिस्क नहीं लेने का, लगाओ मजे करो सब कुछ करो पर रिस्क नहीं लेने का। आओ यार बस स्टॉप बन गया है, ये हाईवे पे बीच हाईवे पे लोग चढ़ के कहाँ से आ रहे हैं यार। ओ आगे बादल पूरा घेर लिया है, भागो मेरे को पीला नहीं होता है। बारिश की बूंद गिर रही है तो यहाँ से जल्दी निकलो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बारिश होगी तो मैं मुसीबत में आ जाऊँगा। एकदम चढ़ जाओ उसके ऊपर, हम लोग पास में अब आई थिंक। शुरू किया था ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, नॉट बैड यार इतना ट्रैफिक के साथ, एंड मैं पुश भी नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट 35-40 के करीब हो चुके हैं, 40 किलोमीटर हो चुका है, आई थिंक 10 किलोमीटर और है, 50 किलोमीटर्स इन कितने बजे, 20 मिनट्स, नॉट बैड। एवरेज स्पीड 70 दिखा रहा है, बट उससे थोड़ा ज़्यादा ही चले होंगे,